फिर मोदी जी आए। मोदी जी करने के बाद लोगों को लगा वाकई एक ईमानदार व्यक्ति है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, और जो जो कहता है वही करता है, अपनी बात से कभी नहीं हटता। मुझे लगता है 2014 का रिकॉर्ड इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 में तोड़ रहेगी। उत्तर प्रदेश में एक तरफा सा है, अब तो ऐसा लगता है इन तीन राज्यों के बाद कि चुनाव होगा नहीं, शायद एक तरफा सा ही होगा ऐसा लगता है। देखा भी है, सुना भी है कि जो अधिकारी रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो लेजर रहता है वो भी उनकी तरफ रहता है और बड़ा स्ट्रेट रिएक्शन आपका आता है। सर डरा के रखते हैं, क्या वजह है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, पर कहीं पर डराना पड़े तो डरा भी लें। भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों में प्रचंड जीत हासिल कर ली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का चेहरा तो बड़ा खिला हुआ है और इसका सबूत है हमारे साथ जो नेता आज मौजूद है उनका चेहरा आप देख लीजिए, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं, 2014 से आप केंद्रीय मंत्री भी, आप मंत्रालय में भी रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा है कि मोदी की गारंटी, ये किस तरह से ऐसे प्रेजेंट हुआ कि 10 साल बाद भी चल रहा है? देखिए राजनीति में अगर आज़ादी के बाद आप देखेंगे तो एक फेज ऐसा था कि राजनीति को बड़ा सम्मान था इस देश में, फिर एक दौर ऐसा आया कि राजनीति और बेईमानी एक दूसरे का पर्याय बन गए, सम्मान समाप्त हुआ, फिर मोदी जी आए। मोदी जी करने के बाद लोगों को लगा वाकई एक ईमानदार व्यक्ति है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, और जो जो कहता है वही करता है, अपनी बात से कभी नहीं हटता। अगर चुनावी सभा में भी नॉर्मली आपने देखा होगा मोदी जी बड़े बड़े वायदे नहीं करते, क्षेत्र में जाकर मेरे क्षेत्र में भी आएंगे तो ये नहीं कहेंगे ये बनवा दूंगा वो बनवा दूंगा, वो काम करने में विश्वास रखते हैं। तो एक नया शब्द आ गया राजनीति में कि मोदी जी अगर कहेंगे तो वो काम हो जाएगा, कुछ भी अगर वो वायदा करेंगे कुछ कहेंगे वो 24 घंटे देश को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं, तो जनता इस बात को पसंद भी करती और मानती भी है। सर उत्तर प्रदेश से आपका बहुत जुड़ाव भी रहा है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य, एक तो बहुत बड़ा राज्य है जिसका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है लोकसभा में, अब लोकसभा अगली बारी है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका जो पूरा जनाधार रहेगा क्या वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगा और क्या इन्फ्लुएंस उसका पूरा रहेगा? शायद 2014 में हम 73 सीटें जीते 80 में से, 2019 में 64 के करीब हमने सीटें जीते। मुझे लगता है 2014 का रिकॉर्ड इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 में तोड़ रहेगी। उत्तर प्रदेश में एक तरफा सा है, अब तो ऐसा लगता है इन तीन राज्यों के बाद कि चुनाव होगा नहीं, शायद एक तरफा सा ही होगा ऐसा लगता है। सर मेरा एक सवाल है कि आप भी वहाँ से सांसद हैं, क्या फिर मैदान में उतरेंगे और अगर उतरेंगे तो जीत की क्या गारंटी है? देखिए पार्टी लड़ाती है चुनाव, हम खुद नहीं लड़ते जाके, अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव मेरी नहीं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर वेस्टर्न यूपी को लेकर आपकी अलग मांग है, क्या वजह है, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए बहुत बड़ा प्रदेश था, सब लोगों के आप कहीं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएंगे सब ये बात कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रदेश है, और जब केंद्र से कुछ योजनाएं जाती हैं, एम्स बनना है तो एक छोटे स्टेट में बनता है, बड़े में भी एक ही बनता है, तो ऐसी बहुत सी बातें थी जिससे लोगों की राय के हिसाब से मैंने भी कहा होगा। सर फिर से सांसद बनेंगे तो फिर इस मुद्दे को उठाएंगे? हाँ क्या पता, ये तो समय बताओगा। ठीक है सर। सर ऐसा हमने मतलब देखा भी है, सुना भी है कि जो अधिकारी रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो लेजर रहता है वो भी उनकी तरफ रहता है और बड़ा स्ट्रेट रिएक्शन आपका आता है, सर डरा के रखते हैं, क्या वजह है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, पर कहीं पर डराना पड़े तो डरा भी लें। तो सर ये जो स्टैंड है आपका, तो अपने वेस्टर्न यूपी को लेके भी सेम स्टैंड है, फिर डराना पड़ा तो आगे? नहीं नहीं वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है, वो एक मेरे हाथ में नहीं, बहुत से लोगों के, बहुत बड़ा देश है, सबकी सब बातें सोचनी पड़ती हैं, कोई एक मेरे कहने से कुछ हो जाए ऐसा नहीं संभव होता। सर आखिरी सवाल, तीनों राज्यों में बहुत बड़ी जीत मिली है तो इसे कैसे देखते हैं, क्या सेमीफाइनल्स फाइनल्स का सीधा सीधा नतीजे की तरह हो लिया? अब तो सेमीफाइनल भी हो लिया और मुझे लगता है फाइनल भी हो लिया, पूरी तैयारी है। 2024 से आगे की बात करेगा, अब तो जो भी करेगा इसकी तो कोई बात मेरे विचार से रही नहीं। धन्यवाद। ठीक है, तो हमारे साथ थे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से सांसद संजीव बालियान जी। आपने सुना, आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय, और एबीपी लाइव देखते रहिए।